पूरा ना हम लोग देख रहे हैं गिट्टी पत्थर वाला खेत है। हाँ, ये मुर्रम खेत है। इसमें कैसे उगा दिए आप? रेट क्या चल रहा होगा अभी? अभी तो बैगन 30 रुपए प्लस चल रहा है। 30 रुपए प्लस? हाँ। तो ये तो अच्छा है ना रेट। गोभी, खीरा, बैगन, टमाटर, इन चार फसल में से सबसे अच्छा किसको मानते हैं? तो मेरे को बैगन ही अच्छा लगा। तो बिल्कुल पथरीली जमीन पे इन्होंने उगा दिया सोना, मतलब देखने लायक चीजें हैं। और दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। और आज आप लोग देख रहे होंगे ना, ये जो मेरी हाइट है 5.5 फुट से प्लस है, और जो बैगन का हाइट है वो भी लगभग वहां तक पहुंच चुकी है। 3 बार बंधाई हो चुका है और इसके बाद में एक बंधाई और होनी है। क्या होता है बंधाई, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे इसको उगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में बात करने हैं। युवा किसान जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार अपना परिचय बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं अमित कुशवाहा हूँ सिलफिली से। अमित जी, कितनी उम्र हुई होगी आपकी? आप 23 साल। 23 साल कब से खेती कर रहे हैं? लगभग 8 साल से। 8 साल से आप खेती कर रहे हैं, मतलब जब से आप बड़े हुए तब से आप खेती कर रहे हैं। ये बताइए, अचानक से ये आप लोग गोभी और कुछ कुछ लगाते थे, बैगन में आने का कारण? गोभी है तो एक बार काट के देते थे, बिक जाता था। बैगन है तो फलते रहता है और लंबा खेती रहता है ना, कम से कम 1 साल तक रखते हैं हम लोग बैगन। ये 1 साल तक रहेगा? हाँ, 1 साल तक रहेगा। कैसे, मतलब जनरली बैगन तो 5-6 महीने का खेती हुआ करता है। नहीं तो इसको कटिंग कर देंगे ना ठंडी, मतलब मार्च में इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से। हाँ हाँ। तो फिर अपने फिर से हाइट ले लेगा, इससे ऊपर ले लेगा हाइट। अभी जैसे ये फूल देख रहे हैं हम लोग, ये सब में फल आता है या? हाँ, सब में फल आ जाएगा, मतलब की 100% में से 50% फल आ जाएगा। फल आ जाएगा? हाँ, पूरे में तो नहीं आता है। ये ग्राफ्टेड है? हाँ, ग्राफ्टेड है। नॉन ग्राफ्टेड आप कभी लगाए इससे पहले? नहीं, नॉन ग्राफ्टेड नहीं लगाए। आप कभी नहीं लगाए? नहीं, ग्राफ्टेड का ही बस। ग्राफ्टेड लगाए, कुछ फर्क आपको पता चलता है कि अगर नहीं बिना ग्राफ्टेड लगाता तो इतना पैदावार? बीज लग जाएगा ना, नॉन ग्राफ्टेड लगाएंगे ना। अच्छा, मरने का जो शिकार, पूरा मर जाएगा। क्योंकि मैं अगले साल टमाटर भी लगाया था तो नॉन ग्राफ्टेड लगाया था तो पूरा एक साइड से साफ हो गया था। अच्छा, उसके बाद आप बोले कि अब लगाऊंगा तो ग्राफ्टेड ही लगाऊंगा। घले 11 रुपया पैसा पड़ता है, रुपया पड़ता है। हाँ हाँ। तो कितना है ये, कितना एकड़ में आप लगाए हैं? 1 एकड़ 30 डिसमिल। 1 एकड़ मतलब लगभग 1.5 एकड़। हाँ, 3500 पौधा लगा है। 3500 पौधा लगा है। और जो तोड़ाई हो रही है, हार्वेस्टिंग कितनी हो चुकी होगी, इसमें कोई आइडिया आपको? लगभग वही 1000 पन्नी से ऊपर ही गया होगा अभी तक। ज्यादा गया होगा, 1500 से ऊपर, मतलब वही तो गिनती नहीं करते। गिनती नहीं करते, ठीक बात है, बेचते जाते हैं। तो ठीक है, आपके हिसाब से ये खेती करना? हाँ, बैगन खेती तो मेरे को सही लगा। अगले साल से, मतलब कि 1 साल अगले साल से स्टार्ट किया हूँ बैगन खेती। हाँ हाँ। तो अगले साल भी ठीक था, इस साल भी ठीक है अभी तक। मतलब आपका कहना है कि बैगन की खेती अच्छे से किया जा सकता है। हाँ। सबसे ज्यादा कठिनाई क्या आती है बैगन की खेती? बस वही मरने का शिकायत ज्यादा आता है। तो इसमें तो नहीं दिख रहा हमको ज्यादा? तो ड्रंचिंग हुआ है पूरा, हर 15 दिन के अंदर ड्रंचिंग होता है। ड्रंचिंग बोलने से जड़ में? हाँ, जड़ में पूरा दवाई चलता है टंकी से। हाँ। नोजल खोल के। हाँ। जड़ जड़ में 100 ml दवाई चलता है। अच्छा, तो उससे विल्ट से बचाता है? हाँ, जैसे नीचे व्हाइट फंगस लग जाता है ना, तो फंगस को कंट्रोल कर तो कोई एक दवाई का नाम बता दीजिए ना, मेरे किसानों को भी फायदा हो जाए। जैसे अभी बाहर का गया एवर गोल्ड आ गया है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। क्या नाम बताए? एवरगोल्ड। एवरगोल्ड। हाँ। ये बिल्ट के लिए काम करता है? हाँ, बिल्ट नहीं, इसमें व्हाइट फंगस लगता है, इसमें बिल्ट अच्छा। तो लगता ही नहीं है। अच्छा, व्हाइट फंगस लगता है। हाँ, व्हाइट फंगस लगता है और वही पेड़ लोग को पूरा। हाँ। मरा तो लगभग इसको अगर हाइट को कम रखना चाहे तो रखता ये कि? नहीं नहीं, तो हाइट लेगा, हाइट लेगा। खाद के ऊपर है, गोबर खाद और बेसल में जो भी खाद डालेंगे उसके हिसाब से रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं लगभग 5.5 फुट से भी प्लस हो गया अभी, मुझे लगता है आपने और बढ़ेगा। आपने इसमें 3 बंधाई किया है? हाँ, 3 बंधा गया है। चौथा बंधने के लायक हो गया। एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, चौथा बंधने के लायक हो गया। अब आप चौथा बंधाई करेंगे? कितना पन्नी निकलता है अभी? तो कम हो गया है, लेकिन जब निकल रहा था तो एक बार में 150 पन्नी प्लस निकलता था। 1.5 एकड़ में 150 पन्नी? हाँ। मतलब 100 पन्नी कितने का रहेगा उसमें वजन? 15 किलो का या 20 किलो, मंडी में तो 20 किलो आता है और जो शाम को लेते हैं 15 किलो का बनता है। अच्छा, 15-20 किलो का पन्नी और करीब 1 एकड़ में 100 पन्नी ये निकलता है। ये ग्राफ्टेड किस में है वो बताइए जरा, मतलब इसके नीचे में कोई बैगन है? इसके नीचे में ना ये बैगन है ना, जंगली। हाँ। बैगन इसको बोलते हैं, देखिए। हाँ। इसका अलग से काटा रहता है, ये नहीं फलता? नहीं, ये बैड टाइप से फलता है। उधर एक पेड़ बचा है, वो देखिए फूल उड़ा। हाँ, है, देखेंगे हम लोग आगे। देखिए काटा तो, काटा रहता है, इसी को काट के नीचे ग्राफ्टेड कर देते हैं। अगर इसको आप लोग, हम लोग जमीन में लगा देंगे ना तो जी जाएगा। अच्छा, इसको भी जमीन में लगा देंगे ना बिना जड़ के? हाँ, बिना जड़ के जी जाएगा, इसमें इतना पावर रहता है। हाँ, उसी की वजह से इसकी हाइट भी हुई है। इसका हाइट भी होता है, फल फूल भी अच्छा आता है नॉर्मल बैगन। स्वाद में अंतर नहीं आ जाएगा अगर ये बैगन और वो बैगन में? तो बैगन तो एक ही है बस, इसका नीचे का जो ग्राफ्ट हुआ है देखिए ना। हाँ। देखिए ऊपर का बैगन तो
अच्छा ऊपर जो हाइब्रिड लगाते हैं वही वही है, बस नीचे का यहाँ से नीचे तक बस अलग है आपका, देखिए। अच्छा नीचे वाला है वो जंगली बैगन है। हाँ, वो नीचे वाला बस जंगली बैगन है। तो इसलिए स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा? स्वाद में कोई अंतर नहीं आता है, मार्केट में अभी तो यही चलता है। हाँ, वो नॉर्मल कोई भी लगाते हैं, नॉर्मल नहीं लगाते हैं। मुझे एक बार ना थोड़ा डिटेल में और करूंगा, एक बार हम लोग वो बैगन का पेड़ देख ले जहाँ आपने एक बचा के रखा है। अच्छा हाँ, वो जंगली बैगन ना। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग ये है जंगली बैगन। हाँ, ये जंगली बैगन ये है, और उससे भी बड़ा हो गया है। हाँ, इसे ज्यादा हेड लेता है वाला। तो कैसे ये भी निकल गया वो भी निकल गया, अब वो डाउन हो जा रहा है? कटिंग होता है ना, कटिंग होता है, देखिए जड़ से, देखिए नीचे से यहाँ से निकला है। अच्छा, मतलब जंगली बैगन से निकला है। ग्राफ्ट अगर देखे तो यहाँ है। हाँ, ग्राफ्ट यहाँ है, यहाँ से निकला है। अच्छा, इसको छटाई करना छूट गया, कटिंग? हाँ, कटिंग करना पड़ता है, छूट गया है, लेबर लोग करते हैं, छोड़ दिए होंगे तो ये निकल गया है। अब ये बढ़ गया तो ये पौधे को डाउन, हाँ ये पौधे को डाउन कर देगा ना, कहीं की पूरा खाद पानी जो है इसको मिल रहा था। अच्छा, तो वो अपना खुद के परिवार को खाद पानी दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है। तो ये चीज, ये टेक्नोलॉजी है, इसराइल की तकनीक है, वहाँ पहले शुरू हुआ था, अब इंडिया में भी ये चल रहा है। तो इससे प्रोडक्शन में भी अंतर होता है? नहीं, जैसे आपका ये प्रोडक्शन है उसमें भी अंतर आता है, ज्यादा फलता है या कुछ ऐसा? नहीं, ये तो और आपका फल फ्रूट डाउन कर देता है। नहीं, जब ये निकल गया है, मान लो अगर ये नहीं निकलता तो जो आप ग्राफ्टेड लगाए हैं, ग्राफ्टेड में पैदावार ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा है। बाकी नॉर्मल से? नॉर्मल से बहुत ज्यादा होती है। ऐसा स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा? स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, बैगन तो वही नॉर्मल रहेगा, बस नीचे ग्राफ्ट अलग से रहता है। हाँ, वरना बैगन का तो पौधा वही रहेगा। और अगर हम लोग जैसे नॉर्मल, ये तो आपका VNR है, VNR 212, अगर हम लोग VNR 212 बिना ग्राफ्टेड लगाते तो उसकी पैदावार और इसके पैदावार में कितना अंतर रहता है? बहुत अंतर रहता है, फल फूल ये इसमें ज्यादा आता है, इसमें ज्यादा आता है। और तो हम लोग एक बार कठिनाई के बारे में बात करेंगे कि इसमें खाद पानी भी ज्यादा लगता होगा। खाद पानी भी तो लगता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आपने खेत पहले तैयार किया हल चला के? हाँ, हल चला। इसके बाद से आप बता दीजिए गोबर वोबर क्या? गोबर इसमें कम से कम डाला है 7 गाड़ी। हाँ, 1.5 एकड़ में? हाँ, 1.5 एकड़ में 7 गाड़ी गोबर डाला है। आपका राखड़ डाला है कम से कम 5-6 बोरा, जो SSP बोलते हैं। और सागरी का खाद आता है वो कम से कम 20 किलो से ऊपर डाला होगा। अच्छा, ये सब मिक्स करके आप? हाँ, और DAP पोटास ये मिक्स करके आप इसमें, करके मेड़ में डलाता है, फिर पन्नी। हाँ, पहले पाइप बिछाएगा फिर पन्नी डालेगा। पाइप से ड्रिप? हाँ, ड्रिप। हाँ, ड्रिप का पाइप जो है वो जाएगा, फिर पन्नी फिर आएगा, फिर आपका जो पौधा है उसको करेंगे हम, लगाएंगे लोग, फिर उसको खाद, मतलब 15 दिन के बाद खाद चालू कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले खाद आप चलाते हैं 1919? हाँ, 1919 चलेगा, फिर 12 अक्षर चलेगा जो आपका ये है गच्ची उछड़ी के लिए। अच्छा, फिर वो तना निकलने के लिए? तना निकलने के लिए, फिर जब फल फूल आ जाएगा तब फिर 0-52 चलेगा। अच्छा, और ये सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत आपने बताया कि मरने का शिकार? मरने का शिकार बस इसमें बैगन। सबसे अच्छा बता दीजिए, सबसे अच्छा क्या है इसमें? सबसे अच्छा इसमें है बस फल फूल, और हाइट बहुत ज्यादा लेता है। हाइट लेता है तो भाई ब्रांचेस भी, डाल भी ज्यादा निकलते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि पूरा ना हम लोग देख रहे हैं गिट्टी पत्थर वाला खेत है। हाँ, ये मुरम खेत है। इसमें कैसे उगा दिए आप? अब वही तो पूरा बेसल वेसल खाद में ज्यादा डालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से मतलब यहाँ 4-5 साल से खेती हो रहा है आपके। हाँ, जो है ना। हाँ, बाड़ी इसमें बाकी फसल भी हो सकता है जैसे? हाँ, बाकी फसल भी हो जाएगा। ये गिट्टी पत्थर से दिक्कत? हाँ, बस पानी आपको रेगुलर चलाना पड़ेगा, रोज चालू होता है पानी इसमें 7-8 घंटा। अच्छा, जो गिट्टी पत्थर वाला खेत है, मुरम वाला जैसे हम लोग जिसको बोलते हैं, इसके इसे तो बहुत पत्थर, इसमें मैं कम से कम बनवा के फेंकाया हूँ पूरा, इसके तो पूरा दर्री था। अच्छा, इसको बनवाया पूरा JCB से। दिक्कत नहीं है इसमें? हो जाता है? हो जाता है। बहुत बढ़िया, आपके साथ में जो अनुभव आपने बताया वो बहुत अच्छा लगा। अब मैं 2-4 चीज आपसे और पूछूंगा, वो चलते चलते हम लोग बात करते हैं कि आप ये बताइए कि इसमें पौधे से पौधे की जो दूरी है वो हम लोग कितना लेते हैं लगाने का? पौधे के पौधे की दूरी है इसका 2.5 फीट है। 2.5 फीट है, और मेड़ से मेड़ की दूरी 5 फीट में है। 5 फीट ऐसे? हाँ, 2.5 फीट ऐसे, 2.5 फीट ऐसे। और लेकिन ना हम लोग, मैं जनरली बाकी जगहों पे देखता हूँ तो ये जो रस्सी है वो 2 ही लगाते हैं। आपने 2 खूंटा और 3 रस्सी लगा दी, अब चौथा की तैयारी? चौथा की तैयारी हो रही है, अभी लेबर नहीं आ रहे हैं। एक आध दिन में चौथा मारना ही पड़ेगा कि जो है तना लोग गिरने गिरते जा रहे हैं, फल बढ़ेगा, वजन हो रहा तो ये गिरेगा, जो फल बढ़ेगा 2-3 दिन में तो पूरा ऐसे हो जाएगा। तो ये आप कहाँ से सीखे, कोई बताया या खुद से करते करते सीख गए? नहीं, खुद से करते करते सीख गए, पहले भी करते थे गोभी वोभी, और फिर देखे कि बैगन ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अगले साल भी लगाए थे। अगले साल 2000 पौधा लगाए थे, इस बार 3500 पौधा लगा दिए। अच्छा, तो अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हाँ, गर्मी में फिर ज्यादा और लगेगा, मतलब कि 12 बैगन लगता है। बैगन आप लगा रहे हैं? हाँ।
एक चीज और बताइए, इसमें से हम लोग खूंटा भी देख रहे हैं तो कहीं कुछ है, इसका भी कोई डिस्टेंस होता है कि कितने इतने दूरी में लगाना है? नहीं, इसका जैसे मन चाहे, मतलब कि सात आठ 10 फीट फीट में दस लगता फीट है। 10 फीट हाँ दो खूंटा अगर है तो 10 फीट हाँ में लगता दो है। खूंटा कहीं कहीं दस ये खूंटा में भी टांग देते हैं। नहीं, बैगन तो ऐसा है कि दोनों पार सपोर्ट कर चाहिए ना अच्छा इसको। वो टमाटर में रहता है कि बांधते हैं उसके बाद उस आप धागा में? टमाटर में दोनों पार कर दिए हाँ हैं। टमाटर में भी, नहीं तो एक खूंटा में लेके बांधना पड़ता था, हाँ हाँ अब उसमें बांधने ज्यादा की लेबर जरूरत। ज्यादा लगते हैं, इसमें हाँ केन ज्यादा लगता है लेकिन लेबर कम लगते हैं। हाँ भाव के बारे में बात करें हाँ, कि लगभग कितना रेट क्या चल रहा होगा अभी? अभी तो बैगन 30 रुपये प्लस चल रहा है। 30 रुपए प्लस, तो हाँ ये तो अच्छा है ना रेट। अब उसके बाद भी थोड़ा कम ध्यान दे रहा है मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इसमें हाँ, अब दवाई चलेगा, आज से जो पत्ता वत्ता मेन पीला हो जा मेन रहा है ना पूरा हाँ इसका। लेबर का इशू हाँ, है। लेबर का इशू है, आएंगे लेबर, आज से ही दवाई चलेगा इसमें, हाँ, 2-3 दिन गैप हो गया था। हाँ, ये अच्छा है कि बैगन में बहुत लंबा फसल है तो रेट कभी ना हाँ, कभी मिल जाता बैगन है। में लंबा फसल है और रेट मिल ही जाता है। तो अगर मैं आपसे कोई दो तीन चीज पूछूं कि आप गोभी, खीरा, बैगन, टमाटर, इन चार फसल में से सबसे अच्छा किसको मानते हैं, तो जो होगा वही बता दीजिएगा। तो मेरे को चल बैगन ही अच्छा लगा, कारण क्या है? रेट अच्छा रहता है? रेट अच्छा लगता है और लंबा समय तक फलता भी है, मतलब 45 दिन में फर्स्ट तुड़ाई हो ही जाता है। अच्छा लगाने के 45 दिन अच्छा बाद, आपको तैयार पौधा मिलता है लगाने के 45वें दिन में? हाँ 45 दिन 50 दिन के अंदर एक तुड़ाई टूट ही जाता है। कहाँ से लिए ये ये पौधा? रायपुर से आया था। सीबी नर्सरी हाँ चावड़ा बाग से? हाँ चौड़ा बाग से। अच्छा चावड़ा बाग से, मतलब बीबर जो देख रहे हैं वो ले सकते हैं, रायपुर में है। गूगल करेंगे तो सीबी नर्सरी नाम से गूगल करिएगा, वहाँ मिल जाएगा। खाद के बारे में हमने लगभग बता दिया, इसमें पानी वानी जो चलाते हैं उसका क्या शेड्यूल रहता है? जैसे अभी मान लीजिए बरसात नहीं है तो कब कब पानी चलाना रहता है? इसमें डेली के पानी चल रहा है कि दर्री खेत है, देख रहे हैं पूरा, इसमें पानी तो मतलब कि रोज लगता है 5-6 घंटा डेली चलता है। ड्रिप से ही पानी हाँ, चल रहा ड्रिप है। से चलता है पूरा। तो बहुत अच्छा, मैंने देखा कि एकदम बिल्कुल पथरीली जमीन पे इन्होंने उगा दिया सोना, मतलब देखने लायक चीजें हैं, और आपसे जानकारी लेकर के बहुत अच्छा लगा। कुछ नया चीज बताएंगे मेरे जो नए किसान देख रहे होंगे, जो युवा अभी जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई सलाह दे दीजिए कि वो कौन सा फसल पहले लगाए? अगर पहली बार लगा रहे हैं तो खीरा लगा लें, टमाटर लगा लें, या मेरे कुछ? हिसाब से तो बैगन ही खरीदी अच्छा लगा मेरे को। हाँ, तो इसमें रिस्क नहीं है? रिक्स है बट वही, सब में है, इसमें भी हाँ थोड़ा सब में भी रिक्स है, है। उसको ज्यादा इसमें है, इसमें दवाई खाद ज्यादा लगता है। हाँ, बस इसमें मेन प्रॉब्लम है कि मरने का शिकार ज्यादा आता है, तो उसके लिए क्या आप बचने का तरीका? उसके लिए वही 15 दिन में ड्रंचिंग करना पड़ता है। आपने जो दवाई का नाम बताया एक बार और बता दीजिए। इसमें जाता है ब्लू कवर डलाता है आपका, ट्राइकोडर्मा सुडोमोना डलाता है, और वेलम प्राइम एकदम फर्स्ट में तो वेलम प्राइम डाले थे। अच्छा, तो मतलब ये सब करते रहने से कंट्रोल रहेगा हाँ, ये? कुछ तो कंट्रोल रहता है, मैं एक डाल के देखा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके साथ में वीडियो करके। बहुत आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में फिर से मिलेंगे हम किसी नई फसल में आपके साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।